अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि COVID-19 की वजह से हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का एक डेमो दिया गया है, तो जो पहले भी दिया गया था और अब दोबारा दिया गया, उसका रिव्यू है टोटल। जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने एक आईडीज हमें दी थी कि स्टूडेंट तक ऑनलाइन क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम थी उसके हवाले से आईडीज के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा स्कूल है, पुराना नाम था न्यू आर्सर पब्लिक स्कूल सकरण, और जो नया नाम है अभी स्कूल का वो है CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस नियर SDO वाटा ऑफिस सकरण। इसमें जो हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, पहले ही मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी इसके बारे में, तो आज मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आईडीज जो आपको है माइक्रोसॉफ्ट टीम की वो आपको दे दी गई है, और इंस्टॉल भी आपको सबको करके लॉगिन कर दी गई है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपने घर पे बैठ के ये ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने के लिए सबसे पहले मोबाइल आपके पास, जो मैंने आईडीज थी आपको सबको बता दिया है, टाइम टेबल भी बता दिया है, और कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम हुआ करेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट का कनेक्शन होना आपके पास जरूरी है। इंटरनेट कनेक्शन के बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है प्ले स्टोर से या आईट्यून से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप डाउनलोड करेंगे, वो आपको लॉगिन कर दिया गया है, तो वहां पर एक ज्वाइन मीटिंग है, वो लिंक हम आपको ग्रुप में सेंड कर दिया करेंगे, और टाइम टेबल भी जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं ज्वाइन मीटिंग आप उसको किया करेंगे। जो टाइम टेबल है, जैसे सर आज फहीम की क्लास है 12 बजे, आज क्लास साइंस वाली क्लास, तो मतलब तरतीब से आपको एक टाइम टेबल सेंड कर दिया करेंगे, तो उस हिसाब से आपने क्लास लेनी है। तो ज्वाइंट मीटिंग का किसी बच्चों को पता ही नहीं है कि स्पीकर कैसे खोलते हैं, हमने कोई सवाल करना है तो आवाज आ रही है बेटा माइक खोल के शाबाश बताओ, क्या आपकी आवाज आ रही है? जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इससे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मोशन ये बराबर होता है एक ऑफ लाइन, ये मोमेंटम जो तो बराबर होता है एम वी के, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन होता है। अगर जो हमारा मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी अल्टीमेटली फिर भी मोमेंटम भी हमारा इंक्रीज होगा, ये बेटा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम मैथमेटिकली डेफिनेशन सी बनाएं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है भैया, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई, या हम ऐसे कह सकते हैं नेट फोर्स, ठीक है भैया। तो मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास एम है, और शुरुआत में इसकी कोई रफ्तार भी है, ठीक है।